कानपुर देहात के रनिया में एक निजी होटल में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का जिला अध्यक्ष अश्वनी सिंह चौहान के साथ पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए आयोजित प्रेस वार्ता में शिरकत की। प्रेस वार्ता से बातचीत करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन का दुख समाचार प्राप्त हुआ। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मिलनसार के साथ साथ सभी को साथ लेकर चलने वाले राजनेता थे। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य की प्रशंसा की थी और उन्होंने सदन में कहा था कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और वह बने भी। दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है। योगी जी द्वारा विकास की योजनाएं प्रदेश में युद्ध स्तर पर चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य जारी है। भूमाफियाओं को सफाई किया जा रहा है एवं उन पर उचित कार्रवाई की जा रही है ताकि जनता को कष्ट देने वाले तत्वों का सफाया हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।